जी सलाम वालेकुम। सीआर साहब सलाम वालेकुम। असद नजीर सलाम वालेकुम। यार आप जवाब ही नहीं दे रहे। वालेकुम अस्सलाम सर, अभी पहली आवाज आई है। जी सर, अभी अभी ज्वाइन किया है। यार थोड़ा बहुत रिस्पांस दिया करो, मुझे पता तो चले ना कि बात की शुरू हो गई है। ये इधर आप आ सर जाते मेरी आवाज आ रही ये है? तो आप अपना माइक और वो अपना वो चलाते नहीं है कैमरा, तो पता नहीं चलता कि आप लोग सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं। अक्सर मैंने ये सुना है, मुझे ये अंदाजा है कि आप लोग बस क्लासें तो ले, सर लेकिन वो कह लें कि प्रॉपर जिसे कहते हैं ना रेडी होके बैठना, वैसे नहीं बैठते। कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई साथ साथ कपड़े इसी कर रहा है, कोई शेव कर रहा है, साथ मोबाइल को आइंदा ऑन कर लेते हैं। तो ये तो इस तरह, तो फिर ये अल्लाह अल्लाह ना करे, ये अल्लाह तो पहले ही नाराज है कोरोना की वजह से। आप देखें कितना अल्लाह नाराज है, हमें सजा दे रहा है। तो ये जो इस तरह के काम है, ये अल्लाह को मजीद गुस्सा दिलाएंगे। सर हम हाई अलर्ट हैं। हाई अलर्ट नहीं है ये, आप किसी ने आप में से कैमरा नहीं चलाया। तो ये ऑनलाइन फिर क्लास क्या हुई, जब आप मुझे मेरे सामने ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर हैं। अच्छा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? सर ऐसी बात नहीं है, हम सीरियसली इधर लेक्चर ले रहे। जी सर ये स्क्रीन सर आ नजर रही आ है? रही है, इसके ऊपर साइकिल बना हुआ है। अच्छा ये मेरे सामने ये और कुछ हो रहा है, मैं देखता हूँ। ये स्क्रीन में कटो यार, स्क्रीन में नहीं आ रही। सर ये ऑक्सीजन साइकिल है? ओ यार मेरे सामने नहीं आ रही, मैं देखता हूँ अभी, ठहरो जरा। ठीक है सर। अब नजर आ रहा है आपको? जी सर हमें पहले से ही नजर आ रहा है। अच्छा ये एक डायग्राम है आपके सामने, ये समझ आ रही है आपको? ये नजर आ रही है? चलो नहीं सर ये एक है साइकिल। अच्छा ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये कार्बन साइकिल है। ये तो आपने मेरे ख्याल में अच्छी तरह से कर लिए होंगे तैयार, क्या ख्याल है? हाँ जी सर। अच्छा ये फास्फोरस साइकिल है। मैं इसकी ढूंढ रहा था, इधर एक वाटर साइकिल भी है। अच्छा आपको मेरी तस्वीर भी नजर आ रही है साथ में? क्यों भाई? सर जी छोटे टैब में आपकी तस्वीर नजर आ रही है। जी सर। अच्छा, इधर कहीं वाटर साइकिल भी है, वो किस पेज पे है? आ गया ठीक है। सर वो ऊपर था। ये देखें आ गया है, यही है ना? जी सर। ये बड़े जो वाटर साइकिल है ना, ये बड़ा
आसान भी है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये डायग्राम में आप देखें कि यहाँ सोलर एनर्जी सूरज से हमें मिलती है, और ये जो असल में सूरज की जो हमें एनर्जी मिलती है ना, यही असल में ज़मीन के ऊपर जो लाइफ रन कर रही है ना, यही एनर्जी उसका मेन सोर्स है। ये एनर्जी जब आती है ज़मीन पे, तो जो ओशन यहाँ ये देखें समुद्री इलाके पानी के ऊपर ये पड़ती है, तो पानी को ये हीट करती है, और पानी जब हीट अप होता है ना तो उसके वेपर बनते हैं। ये लिखा हुआ इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपोरेशन फ्रॉम लैंड। इवेपोरेशन होती है ये पानियों के ऊपर से, और ट्रांसपोरेशन होती है प्लांट्स के ऊपर से, क्योंकि ज़मीन के प्लांट्स भी हैं, तो ये वेपर जाते हैं फिर ऊपर। जी सर। और फिर देखें इधर क्या हो रहा है, ये देखें नेट मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर बाय विंड। इधर से भी ये पानी है, ये ऊपर वेपर गए, ये सारा पानी है येलो कलर अपना ब्लू कलर का, और ये ग्रीन कलर के ये प्लांट्स हैं। तो ये देखें ये ऊपर को जा रहा है पानी वेपर बन के, और ये पानी बादलों से नीचे को आ रहा है प्रेसिपिटेशन की शक्ल में, यानी कि बारिश की शक्ल में। ठीक है, इधर भी आप देखें कि ये बारिश की शक्ल में पानी दोबारा आ रहा है, पहाड़ी इलाकों में बारिश बरसती हैं, तो वहाँ अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो तो वही पानी जम जाता है, ग्लेशियर बन जाते हैं, और ये जो वेपर ऊपर जाते हैं तो जब बादल बनते हैं, तो ये बादल जो हैं क्लाउड, ये हवा के साथ ना, ये जिधर हवा का रुख हो उधर ही ये मूव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो हमें बता देता है कि बारिशें होनी है फलां तारीख से फलां तक, वो असल में सैटेलाइट पिक्चर्स लेते हैं इन बादलों की, इनकी मूवमेंट्स को, इनकी स्पीड को देखकर वो हिसाब लगा लेते हैं कि ये इस वक्त यहाँ हैं और ये इनकी स्पीड है, और ये परसों तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और वहाँ जाके इनमें पानी इतना होगा, टेम्परेचर इतना होगा, और इतनी ये बारिश बरसाएंगे, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा बाज़ दफ़ा इनका वकी हो जाता है, उसकी भी कोई ना कोई वजूहत बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदाजे ठीक ही होते हैं। आपने देखा होगा याहू वेदर या मुख्तलिफ तरह की जो वेदर को बताने वाली हैं एजेंसी, वो बताती हैं, तो ज़्यादातर उनके वेदर जो है ना वो ठीक साबित होते हैं। ये उनके पास जो आता है ना नॉलेज, ये फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, ये वो हालात को देख के ऑब्जर्वेशन करके और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर लगा के हमें बताते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये इनके पास कोई गैप का नॉलेज नहीं है जो ये हमें बता देते हैं। तो बाद लोग कहते हैं ना लेकिन ये ऐसे ही अल्लाह के काम है, काम तो अल्लाह का ही है, इसमें किसने कहा कि ये अल्लाह का काम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पिक्चर्स को देख के, ट्रेंड को देख के, कुछ इनके पास सबका क्लाइमेट के ट्रेंड्स होते हैं, कुछ इनके सामने ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो ये फिर हिसाब लगा लेते हैं कि अब बारिशें फलां तारीख की होंगी। तो जो आजकल क्योंकि ये नेट की फैसिलिटी हर जगह पे है, टच मोबाइल हर किसी के पास है, जो फार्मर हैं वो मौसम का हाल देख लेते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो इस तरह उनके जो लॉसेज हैं वो कम हो जाते हैं। ये आप समझते हैं कि जो बाद में कर रहा हूँ वो समझ आ गई है? जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई है। अच्छा, ये असल में डायग्राम है ही बड़ी सिंपल, बड़ी आसान। ये लफ्ज़ देखा ना, रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, ये रन ऑफ कौन सा है? ये जो पानी बारिशी आ गया है, ये जमीन पे आके फिर चलता है, ये ऊंचे इलाकों से नीचे इलाकों की तरफ जाता है। आप देखेंगे हमारे मुल्क में जो ऊंचे इलाके हैं उनको हम शिमाली इलाके कहते हैं, जिसमें ये गिलगित है, नारान है, ये बल्तिस्तान है, ये फिर शुगरान है, ये बालाकोट, ये अपना मरी के जो इलाके हैं जिसमें पटराटा आता है, नथिया गली आती है, ये सारे हमारे जो है ना ऊंचे इलाके हैं, ये हिली एरियाज हैं, और यहाँ जब बारिशें होती हैं तो मौसम सर्मा में फिर वो जो बर्फ़ है वो पहाड़ों पे जम जाती है। और जब आजकल का मौसम आता है, जैसा कि ये जून का महीना है, ये काफ़ी हॉट वेदर है, इसमें जो सूरज की छुआएँ हैं उनमें हीट ज़्यादा है, तो यही शुआएँ जब इन ग्लेशियर्स में पड़ती हैं तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं,
और फिर वो चश्मे निकलते हैं पहाड़ों से, वो इकट्ठे होके आहिस्ता आहिस्ता वो दरियाओं की शक्ल बन जाती है, नहरों की शक्ल। जो दरियाओं से नहरें निकलती हैं हमारे पंजाब में, जो आबपाशी सिस्टम है, नहरों का जो निज़ाम है, ये बड़ा शानदार है। तो आप देखेंगे नहरों का पानी बड़ा ठंडा, बड़ा शानदार होता है। तो उसकी वजह यही है कि वो बर्फ आइस मेल्ट होके पानी आ रहा होता है, वो ठंडा होता है। बल्कि जहाँ से नहरें गुजरती हैं, दरिया गुजरती हैं, उनके दाएं और बाएं 200-200 किलोमीटर का, जो 200-200 फुट का जो एरिया है, वहाँ पे जो घर हैं उन्होंने जो अपना पंप लगाए हुए हैं घरों में पानी के निकालने के लिए जमीन से, वहाँ अगर आप देखें तो बड़ा ठंडा ठार पानी उनको मिलता है। तो वो गर्मी के मौसम में भी उस पानी से जब एक दफा नहा लेते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो जो लोग जरा दरियाओं से दूर हैं उनके पानी इस तरह के ठंडे और मीठे नहीं हैं। ये भी फॉलो किया आपने कि नहीं? जी सर। अच्छा, बाग ऐसे इलाके हैं जो दो नहरों के दरमियान है। मिसाल के तौर पे अगर आप मंडी बहाउद्दीन से जाए ना खारिया की तरफ, जेलम की तरफ, तो वहां पे एक तरफ दरिया है और एक तरफ बहुत बड़ी नहर है, वो नहर भी दरिया की तरह ही है। तो उसके दरमियान में कुछ गांव है जगह जगह पे, वो 20-22 किलोमीटर का एरिया है। तो उन गांव में अगर आप जाएं और किसी भी घर में जाके वो पानी पी के देखें और निकालें, तो बड़ा ठंडा ठार, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा शानदार पानी। क्योंकि एक तरफ दरिया है, दरिया में भी फ्रेश वाटर है, एक तरफ नहर है उसमें भी फ्रेश वाटर है। तो वो लोग जो है वो बड़े माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं और वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। वो शदीद गर्मी में पानी निकलता है, ठंडा ठार पानी होता है। तो ये जो वाटर साइकिल है ना, इसमें आप देखेंगे ये एक सर्कल है कि पानी जो है बारिशें बरसती हैं, जमीन पे आता है, फिर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि पानी को नीचे लेके आना ये तो कोई मसला नहीं है, ग्रेविटी जो है हमारे कश सकल उसके नतीजे में पानी का नीचे आना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पानी का ऊपर जाना ये कितना बड़ा मसला है। आपने देखा होगा कि अगर आप बाल्टी भर के उसको उठा के लेके जाते हैं छत पे, तो 20-22 स्टेप आप जब चढ़ते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि आपकी एनर्जी खर्च होती है। तो अगर बाल्टी बड़ी हो तो आपसे अकेले से उठाई भी नहीं जाती। तो ये लाखों टन पानी इवेपोरेट हो के ऊपर जाता है, इतना ऊपर, ये 8-10 हजार फीट ऊपर चला जाता है। जी सलाम वालेकुम। जी वाह, बेटे आज आपकी क्लास है कि नहीं, कितने बजे हैं? हाँ तो क्लास में बात करते हैं फिर, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर आप एक बाल्टी ऊपर लेके जाएं तो आप थक जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि ये लाखों टन पानी ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, तो ये इतना ज्यादा जो पानी ऊपर जा रहा है इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है ऊपर जाने के लिए? सनलाइट से सर। हाँ, सनलाइट से। और ये जो हवा का सिस्टम होता है ना जमीन के ऊपर, ये भी एक निज़ाम है जिसके तहत हवाएं चलती हैं। हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं, तो गर्म हवाएं जब ऊपर उठ जाती हैं तो उनके नीचे जो खला बनता है उसको पुर करने के लिए ठंडे इलाके की हवाएं वहां पहुंचती हैं, तो एक सर्कल सा बनता है। तो इस सर्कल के बनने में भी अगर आप देखें तो जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो SUN, यानी कि सूरज की वो जो एनर्जी है वही इस्तेमाल होती है। क्योंकि किसी भी जगह में अगर गर्मी हो गई है ज़्यादा, तो उसकी वजह फिर ये सूरज ही है ना, वहाँ ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ज़मीन हीटअप होती है, फिर वहाँ की हवा तक गर्म हो जाती है। तो ये देखने को डायग्राम बड़ी सिंपल है, लेकिन ये पूरी दुनिया का ये निज़ाम चल रहा है, देखें अगर गौर करें। क्या ख्याल है? जी सर, जी सर। सर ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ये भी जाता है उस समुंदर की तरफ? बिल आखिर इसमें उधर ही जाना है। अब आप देखेंगे हमारे फैसलाबाद में जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, ये फैसलाबाद में वासा के 4 बहुत बड़े डिस्पोजल्स हैं पानी के।
यहाँ एक चुकेरा गांव जी है सिंगली रोड अपना मीरपुर बंगला रोड पे, वहाँ 350 एकड़ के पौंड बने हुए हैं, वो 10-12 पौंड हैं, 1-1 किलोमीटर वो लंबे चौड़े हैं। तो वहाँ पे वो पानी जाके वो स्टे करता है, फिर वो पानी के अंदर जो स्लग वगैरह जो कचरा मचरा है वो नीचे बैठ जाता है, और वो पानी जो है ना ऊपर से वो, फिर वो वहाँ पे एक नाला है पहाड़ंग उसमें जाता है, फिर वो बिल आखिर वो जाता है समुद्र में ही है, ठीक है ना। तो ये जो जमीन जी का सर, पानी है ना, ग्राउंड वाटर, अब देखें ये मसला है कि ग्राउंड वाटर जो है ना वो बड़ा अब कम होता जा रहा है बड़े शहरों में। यहाँ फैसलाबाद में और लाहौर में हर घर में वो पंप लगे हुए हैं पानी के, तो इतना वो पानी जमीन से निकाला जा रहा है, उतनी तो बारिशें नहीं होती ना। तो बारिशें अगर रूटीन के मुताबिक भी हों तो जमीन इतना पानी जब्र नहीं करती जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि हर साल तकरीबन 1 मीटर के करीब ना 3 या 4 फुट पानी की जो है ना जमीन के अंदर गहराई में इजाफा होता जा रहा है। तो ये कहाँ तक ये होता रहेगा, कितने साल और ये सिलसिला चलेगा, ये बड़ी अलार्मिंग सी सूरत हाल है। मिसाल के तौर पर कराची में आप देखें वहाँ मसला बन चुका है, वहाँ पानी जो जेर जमीन है वो नहीं मिलता। फिर लोग हैं ना वो जो आपने सुना होगा लफज वाटर हाइड्रेंट्स, तो वहाँ बड़े बड़े माफिया बन गए हैं, वो टैंकर हैं, वो 12,000 रुपये का टैंकर एक पानी का देते हैं, टैंकर आता है इलाके में, तो जहाँ वो टैंकर पहुँच सकता है वो पाइप लगा के लोगों की टंकियाँ भर देता है, बाद लोग पूरा टैंकर ही ले लेते हैं, बाद गरीब गुरबा फिर वो बाल्टी में पानी भरते हैं। तो आप देखिए कितनी लाइफ वहाँ पे टफ हो जाती है जहाँ ये मसला बन जाए सिर्फ पानी का। तो जहाँ ये मसला नहीं है, जैसे हमारे इलाकों में नहीं है, तो हमें इस मसले का पता ही नहीं है, लेकिन ये एहसास ही नहीं है जी सर। मसला ये इतना बड़ा है कि अल्लाह खैर करे कि जैसे जैसे ये आबादी मजीद बढ़ेगी, मजीद मकान बनते जाएंगे, मजीद पंप लगते जाएंगे, पानी का इस्तेमाल मजीद बढ़ता जाएगा, तो हमारी कौम देखे ना वो भी शऊर नहीं रखते हम लोग। हमारे यहाँ लोग जब नहाते हैं बाल्टियों की बाल्टियां पानी की जाया कर देते हैं, हालांकि चाइना जैसा मुल्क जहाँ लोग इतने समझदार हैं कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि वहाँ 2 लीटर पानी से लोग नहा लेते हैं और बाज जगह पे सिर्फ 1 लीटर पानी से लोग नहा लेते हैं। अब आप कहेंगे भाई 1 लीटर से कैसे सर नहाते हैं, 1 लीटर से वजू नहीं होता। तो वो मेरे भाई भी जहाँ पानी सर कैसे मुमकिन खराब है? है वो फिर वो ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा तौलिया लेके उसको भगो लेते हैं, वो बाटी में मल लेते हैं, वही उनका गोसल हो जाता है। तो वैसे आप देखें चाइना जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो बड़ा अपने आप को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने एक डैम बनाया है जिसका नाम है 3 गॉर्जीज डैम, और वो डैम हमारे मंगला डैम से 83 गुना बड़ा है। तो चंद साल पहले वहाँ एक सुबह वो सिमपियांग, वहाँ बारिशें नहीं हुई तो कहर जैसी सूरत हाल थी, तो उन्होंने उस डैम से पानी सप्लाई इतना किया कि वो कहने के उनको इस चीज़ का यानी कि नुकसान ही नहीं होने दिया कि बारिश नहीं हुई या कहत साली है, इतना पानी फराहम किया। तो यानी आप कह लें कि ऐसा मुल्क जहाँ पानी को उन्होंने मैनेज किया है इतने बड़े डैम बनाकर, वो भी पानी को कंज्यूम करते हुए उसको उसके ज़िया से वो बचते हैं, लेकिन यहाँ ये शऊर अभी लोगों को है ही नहीं कि खाम खा पानी नहीं जाया करना। यहाँ लोग पाइप पकड़ते हैं, पंप चला देते हैं और फर्श धोना शुरू कर देते हैं, ये कोई बात तो नहीं है करने वाली, क्या ख्याल है आप? जी सर, सर ऐसा ही होता है, हर जगह पानी का बहुत वेस्ट हो रहा है। हाँ तो ये फिर बिल आखिर ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि फिर हम तंग होंगे, ठीक है ना। अब देखें ये कुछ लिखा भी हुआ है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में, वाटर इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस पर्टिकुलरली प्राइमरी प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन इन इंटरेस्टियल इकोसिस्टम। आप देखेंगे पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसका कितना असर है इकोसिस्टम पे, बारिशें होंगी तो वेजिटेशन वहाँ वो प्रोड्यूस होगी, फिर उस वेजिटेशन को खाने वाले जानवर वहाँ पहुँचेंगे, फिर
तो वो एनिमल्स जो हैं उनकी सर्वाइवल होगी, फिर उन एनिमल्स को खाने वाले जो प्रीडेटर्स हैं फिर उनकी सर्वाइवल होगी। तो ये एक पूरा जो है ना, एक कहने की इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए पानी और बारिशों की ये अहमियत उसने बताई है, ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ये है कि पानी अगर है तो लाइफ है, पानी नहीं है तो फिर लाइफ का तसव्वुर भी नहीं है। आप देखें कि इतनी स्पीशीज हैं हमारे अफ्रीका के जंगलों में, सिर्फ एक साल बारिश ना हो तो वहाँ सूरत हाल क्या होती है। आपको पता है कि इधर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और 1 अरब से ज्यादा जानवर वहाँ खत्म हो गए, पता है आपको? जी सर, जी वो सर, 2 4 महीने पहले की बात है। तो फिर जब दोबारा बारिशें हुई तो जो स्पीशीज कुछ बची जिनके जोड़े बच गए उनसे दोबारा वो शुरू होगा उनका सिस्टम है। आपने एक लफ्ज भी सुना होगा, बॉटल नेक इफेक्ट एवोल्यूशन में ये लफ्ज सुना होगा। जी सर, बहुत ज्यादा इफेक्ट। अगरचे कुछ जोड़े एनिमल्स के बचे होंगे वहां से काम शुरू होगा, लेकिन उनका जो जीन पूल है उसमें कितनी कमी आ गई, और जितना जीन पूल कम हो जाए उतनी उस स्पीशीज की जो फिटनेस है वो कह लें कि खतरे में आ जाती है। तो अब अल्लाह ख्याल करे कि दोबारा मौका मिले और बारिशें वगैरह हर साल टाइम पे होती रहें, तो दोबारा वो कंडीशन आने में कई 100 साल लग सकते हैं। ये जो नुकसान हो गया है ये इरिपेरेबल लॉस हो गया है, और ये कह लें कि ये सर, ये क्लाइमेट आग चेंज कैसे जो है। लगती है वहां पर? तो मेरे भाई, जब इतनी ज्यादा हीट हो जाए, बारिशें ना हो, हवा में खुश्की आ जाए, तो कोई भी वजह बन सकती है आग लगने की। ये बाज दफा ये जो बर्ड्स हैं ये अपना ये भी आग लगाने में रोल प्ले करते हैं। चील सर, जी सर एक जगह पे था कि चील होती है, ये मुंह में कोई शोला लेकर फेंकती है, कुछ हाँ, इस तरह था। ये ऐसा करती है ना, ये मुख्तलिफ तरह के जो है ना अपना फूड आइटम्स उनको हासिल करने के लिए ये आग लगा देती है, और शोला फेंकती है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे, तो वो आग फैलती है। अकेली ये नहीं, और भी बड़ी बड़ी वजूहात हैं। जब खुश्क किस्म का वहाँ पे मटेरियल हो जाएगा तो उसको तो फिर आग फौरन लगती है ना, तो किसी एक जगह पे आग जी सर, लगती है, पूरे जंगल में जब फैलती है तो वो देखें कई, मेरा ख्याल है कि कई दिन तक वो आग लगी रही, कितना उसने नुकसान किया। जी सर, ये तो यानी 2020 जो है इसी में मेरे ख्याल में ये लगी थी, अभी 2 4 महीने पहले की बात है। आप देखें, फार्म्स अवेलेबल टू लाइफ, लिक्विड वाटर इज प्राइमरी फिजिकल फेज इन विच वाटर इज यूज्ड, सम ऑर्गेनिज्म कैन हार्वेस्ट वाटर वेपर, फ्रीजिंग ऑफ सॉइल वाटर कैन लिमिट वाटर अवेलेबिलिटी टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। आप देखें ये बैलेंस है, टेम्परेचर का एक बैलेंस है कि कितनी सर्दी पड़नी है कितनी गर्मी पड़नी है जमीन के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर पानी फ्रीज हो जाए और मौसम गर्मा जब आए तो इतनी गर्मी ना पड़े कि वो मेल्ट हो, तो फिर वो जो पानी मिलना था ट्रेशल प्लांट्स को वो नहीं मिलेगा। तो ये अमेजोन रिवर है, ये बहुत बड़ा रिवर है, ये भी ग्लेशियर के मेल्ट होने से ही बनता है, लेकिन अगर ग्लेशियर मेल्ट ही ना हो तो फिर वो इतना लंबा रिवर जो है उसमें पानी कहाँ से आएगा, और उसके दाएं बाएं जो वेजिटेशन है उसको क्या मिलेगा। तो ये मौसम सरमा का आना और फिर इन पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर का बन जाना, पानी का जमा हो जाना, और फिर मौसम गर्मा आने से आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना, और फिर पानी का चलते हुए दाएं बाएं जमीनों को सैराब करना, ये सारा प्रोसेस है जमीन के ऊपर लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। आप देखें रिजर्वायर्स क्या है, ये ओशन कॉन्टेन 97% ऑफ द वाटर इन बायोस्फीयर, हमारी जमीन पर जो पानी है 97% हमारे समुद्रों में है, जो कि 2% है बाउंड इन ग्लेशियर। आप देखें 2% ग्लेशियर की फॉर्म में पानी है, 97% है समुद्र में, कितना हो गया? 99 एंड पोलर आइस कैप्स, यानी ये जो 2% है ना ये ग्लेशियर में और पोलर आइस कैप्स में है, एंड द रिमेनिंग 1% इज इन लेक्स
रिवर एंड ग्राउंड वाटर, यानी आप अंदाजा करें कि बाकी सिर्फ 1% पानी जो है हमारी झीलों में है, हमारे दरियाओं में है, और जमीन के नीचे जो हम इस्तेमाल करते हैं विद ए नेगलिजिबल अमाउंट इन द एटमोस्फियर, थोड़ा बहुत वेपर की फॉर्म में हर वक्त एटमोस्फियर में पानी मौजूद है। आप अंदाजा करें कि पानी की जमीन पर कमी नहीं है, ये हम सिर्फ 1% से काम चला रहे हैं, उसमें लेक्स भी हैं, उसमें रिवर्स भी हैं, ग्राउंड वाटर भी, यानी आप कह सकते हैं कि जमीन पर जो लाइफ है ना उसकी सस्टेनेबिलिटी इसी 1% पे है, या ज्यादा से ज्यादा आप चलें 2% भी मिला लें कि ग्लेशियर ही पिघलते हैं तो वो लेक्स बनती हैं, रिवर्स बनते हैं, ठीक है ना, तो चलें अगर आप इसको मिलाना है तो ये 3% कर लें, ये 97% पानी आपके पास मौजूद है, ये इतना ज्यादा पानी है कि ये कहने के बहुत बड़ा ये जखीरा है। लेकिन ज़ाहिर है कि समुद्री पानी को हम इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन कंट्रीज में प्रॉब्लम है उन्होंने वहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं, वो समुद्री पानी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ समुद्र नहीं है, पानी की शार्टेज है, वहाँ वो इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा ट्रीट करके इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट्स वहाँ पर लगाए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि दोबारा पानी को इस्तेमाल कर लें। उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे हैं कि वो सीवरेज के वाटर को इतना साफ कर लेते हैं कि दोबारा उसको वो यूज पीने तक उसको यूज करते हैं, पीते भी हैं आप अंदाजा करें, इस हद तक उनके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो पानी को फिल्टर करते हैं, उसको उसको कह लें कि अल्ट्रावायलेट रेज दे के उनमें से जो है अपना जरासीम वगैरह उनको मारते हैं और फिर उसको रीयूज करते हैं। ये सारे स्टूडेंट साथ ही हैं कि सो गए हैं? सर इधर ही हैं, बाकियों के माइक ऑफ हैं बस। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त हमारे साथ? सर 12 हैं। अच्छा, ये अपना किसी वक्त भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये 40 मिनट का टाइम देते हैं गूगल वाले, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की, लेकिन फिलहाल ये 40 मिनट का टाइम देंगे, ये किसी वक्त हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये फिर बाकी नेक्स्ट वीक से ही, तो आपने अटेंडेंस गूगल पे जाकर ना वो जरूर लगानी है। तो इसमें की प्रोसेस क्या है? हाँ, मेन प्रोसेस इज ड्राइविंग द वाटर साइकिल आर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर बाय सोलर एनर्जी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, यानी पानी का सोलर एनर्जी के जरिए वेपर बन के उड़ना और फिर दोबारा कंडेंस होके क्लाउड्स का बनना और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश का होना, ट्रांसपोरेशन बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आल्सो मूव सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लो कैन रिटर्न वाटर टू द ओशन कंप्लीटिंग द वाटर साइकिल, द वेथ ऑफ द एरोज, ये जो डायग्राम है ना इसमें जो ये एरो की जो चौड़ाई है वेथ, ये अमाउंट शो करती है कि कितना का पानी जो है ना वो ऊपर जा रहा है और कितना का नीचे आ रहा है, ये जो वेथ है इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये ज़्यादा वेथ है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो वेपर बन के ऊपर जाता है और बारिशें भी देखिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ज़मीन पे पानी आता है। तो ये एक ना मुख्तसर सी डायग्राम और मुख्तसर था ये आपको समझाने के लिए, ये बड़ा शानदार किस्म का छोटा सा आर्टिकल है, मेरे ख्याल में आपने फॉलो कर लिया होगा। जी सर। जी सर। तो मिनट भी 40 पूरे हो गए हैं, तो फिर ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। और कोई बात करनी है या साहब? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है फिर अल्लाह। ओके सर। जी सर। सर हाँ, समझ आ गई सारी? सारी समझ आ गई है। यस जी सर। तो यार आप लोग बड़े ज़हीन हैं माशाल्लाह, आपकी क्या बात है, आपका दिमाग काम करता है तो इसलिए आप बातें समझ आते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग जाग के मेरी क्लास सुनते हैं, सो के नहीं सुनते। जी सर, जाग के ही सुन रहे हैं। तो जी सर, इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आप नशा वगैरह भी नहीं करते। सर नहीं, आजकल घर में है ना। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी एहतियात करें कोरोना से बचने के लिए, बिल्कुल बाहर ना निकलें, और अगर कभी जाना पड़े तो जब आपने काम करके आए तो आते ही आप ना कपड़े चेंज करें, नहाएं और कह लें कि